हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है और समय तो कम नहीं, और समय भी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी, ये समझिए कि समय निकाल के करा पा रहा हूँ, क्योंकि इस समय मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग भी चल रही है हॉस्पिटल में और चीज़ें, अब गर्मी इतनी भी है और पढ़ने भी हैं, अपना खुद के पढ़ने हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप लोग जितनी वीडियो, प्रीवियस ईयर वीडियो सब रिवाइज करते हैं और जितनी वीडियो पढ़े वो पूरा फुल वॉच किया करें, तो तभी हो पाएगा सब कुछ। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एंजाइम एमाइलेज, एमाइलेज एक एंजाइम होती है, जहाँ पे बाद में ना ए एस ई बाद में लग जाता है वहाँ एंजाइम ही होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ के। एंजाइम एमाइलेज इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ, एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो कार्बोहाइड्रेट के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बाइल हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ, अब बाइल जूस एक होता है, बाइल होता है, बाइल सिक्रीट कहाँ से होता है, लीवर से सिक्रीट होगा, और ये स्टोर कहाँ पर होगा, स्टोर होता है आपका गाल ब्लेडर में, GALL, गाल ब्लेडर में स्टोर होगा। तो ये चीज़ हो गया, काफ़ी बार पूछता है कि बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लेडर में, और ये सिक्रेट कहाँ से होता है, लीवर सिक्रेट करती है, और ये हेल्प क्या करता है, हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए लिखा गया है, थोड़ा सा बाइल्स के बारे में लिखा गया है। बाइल इज येलो, बाइल येलो कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, या फिर ओलिव ग्रीन होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, हेल्प करता है आवर बॉडी डाइजेशन फैट, जो फैट का डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो यही चीज़ है, बाइल में जब स्टोन हो जाता है तो वहाँ पे ब्लॉकेज होने हो जाती है ना बाइल डक्ट पे, फिर वहाँ से बाइल आ नहीं पाता, तो फिर काफ़ी पेन भी होता है या और डाइजेशन नहीं हो पाता, तभी तो गाल ब्लेडर को काट के निकाल भी दिया जाता है या फिर सर्जरी की जाती है, जो स्मॉल माइनर सर्जरी होती है लेजर सर्जरी के थ्रू। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एकदम सिंपल क्वेश्चन भी है। शेप ऑफ गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर का आकार क्या होता है, शेप क्या होता है, तो ये देखिए गाल ब्लेडर को आपको ये पूरा फिगर ऐसे बनाया भी गया है। ये गाल ब्लेडर देख लीजिए, कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, ये लीवर है, लीवर सिक्रेट करेगा, इसी में स्टोर होगा, और गाल ब्लेडर का शेप जो होता है पियर, नाशपाती शेप होता है, ये देखिए नाशपाती बनाया गया ऐसे एकदम शेप, सेम शेप है पियर, तो पियर शेप होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है, वो होता है पेप्सिन। देखिए कैसे कन्वर्ट कर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की आपको बताइए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, बोन होता है, तो हम लोग ज़्यादातर बोन ही लगाते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है, इनेमल होता है। अब ये इनेमल क्या है, इनेमल एक हार्डेस्ट लेयर होती है, कहाँ पे टीथ, अगर दांत आप देखे होंगे, देखे कि आपके हैं भी, तो टीथ में आप ये इनेमल होता है, ऐसे मान लीजिए एक दांत है, अब इसी के ऊपर एक लेयर होती है इनेमल, इनेमल ये सबसे हार्डेस्ट होती है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनेमल जो होती है ये सिक्रेट होती है, एक सेल होती है जो सिक्रेट करती है, उस सेल का नाम लिख लीजिए, AMELO, अमीलो, अमीलो BLAST, अमीलो ब्लास्ट सेल होती है, यही सिक्रेट करती है इनेमल को, तो इनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये आप देख लीजिए, इनेमल दिया गया है, ये देख लीजिए, ये टीथ है, दांत है, दांत के ऊपर इनेमल है, तो दांत में तीन पार्ट होते हैं, क्राउन होता है जो दांत पे एक्सपोज, जो दांत वाला एरिया होता है दिखता है, एक्सपोज्ड होता है, हंसते समय दिखाई नहीं देता, वही तो क्राउन होता है। और नेक क्या होता है, नेक गट और टीथ के बीच में नेक होता है, और जो आपकी ये रूट होता है ना, यह तो बोनी सॉकेट में जाके धंसी रहती है, बोनी सॉकेट और टीथ के बीच में होता है, तो ये चीज़ हो जाएगा, ये तीन पार्ट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सब क्वेश्चन आप अच्छे से देखेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। और मैंने काफ़ी बार बताया था, जैसे जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज होता है, या फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जाएगा, या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट से जब ग्लूकोज में चेंज होता है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए पहले फिर क्लियर करिए सभी। दी आर्गन व्हिच स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन होता है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है, तो लीवर में। काफ़ी लंबे समय से जो अनशन पे बैठते नहीं हैं वो, उनके क्या होता है ना, उनके ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में, या फिर फैट होते हैं बॉडी में, तो वो टूट टूट के किस में चेंज होते हैं, ग्लूकोज में। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है। आगे चलिए, द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक क्या है, हार्मोन ही है। हार्मोन क्या करता है, ये ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को ब्रेकडाउन करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या करता है, सिंथेसिस नहीं करता, ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट को नहीं ब्रेक करता, और प्रोड्यूस एडिनालिन, एडिनालिन का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये ब्रेकडाउन करता है प्रोटीन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाई आर फाउंड इन। ये देखिए बिलाई में बता दे रहा हूँ, जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें बिलाई होती है। अब बिलाई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो माइक्रो बिलाई पाए जाते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम सिंपल हो गया होगा, बिलाई आर फाउंड इन, बिलाई कहाँ पर पाई जाएगी, स्टमक में, लीवर में, या फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये भी खूब पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट द गाल ब्लेडर। अब गाल ब्लेडर आप जान ही रहे हैं कि गाल ब्लेडर में क्या सिक्रेट, क्या स्टोर होता है, आप बाइल सिक्रेट, बाइल स्टोर होता है जाके। अब ये बताना है कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है गाल ब्लेडर के कंट्रैक्ट होने में और रिलीज स्टोर बाइल इनटू द इंटेस्टाइन। भाई देखो, गाल ब्लेडर में स्टोर होगा और रिलीजिंग में, कंट्रैक्शन एंड रिलीजिंग में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो गाल ब्लेडर को कंट्रैक्ट करवाता है और रिलीज करवाता है बाइल को, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि जब गाल ब्लेडर से जब बाइल निकलता है तो कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में ही तो जाता है। तो ये देखिए, व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट द गाल ब्लेडर कंट्रैक्ट एंड रिलीज स्टोर्ड बाइल इनटू इंटेस्टाइन। तो वो हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है ना, वही हार्मोन बताना है, व्हिच हार्मोन। तो वो होता सीसीके, कोलियोसिस्टोकाइनिन, ये सीसीके भी इसको बोलते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अप जो लेयर होती है वहीं से सिक्रीट होता है, ड्यूडेनल वाले पार्ट से। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोलियोसिस्टोकाइनिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन में देता है, या फिर आपका ड्यूओडेनम देता है। ड्यूओडेनम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम होता है, तीन पार्ट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्टली लाइकली टू फाउंड इन द इसोफेगस ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD इसी को बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। जब ये हो जाती ना, तो गैस इसोफेगस में रिफ्लेक्स करने लगती है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू फाउंड द इसोफेजियल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, कब ये पेशेंट सफरिंग होता है, जब पेप्सिन हार्मोन का जब डिसबैलेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइबा कंटेंस हुई एंजाइम। ये कह रहा है कि जो स्लाइबा होता है, माउथ में जो स्लाइबा होती है उसमें कौन सी एंजाइम होती है, तो टाइलिन होती है। तभी तो स्टार्च को ये डाइजेस्ट, यहीं से 30% माउथ से ही स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, 30% किसका, मंड का, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये देखिए सलाइबा, सलाइबा में एंजाइम एमाइलेज आल्सो कॉल्ड टाइलिन, एमाइलेज क्यों हुई, टाइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट आर द फोल्ड फाउंड इन म्यूकस ऑफ लाइनिंग ऑफ इम्पटी स्टमक। जो स्टमक होता है ना, स्टमक में जो ये कह रहा है कि एक लाइनिंग पाई जाती है, फोल्ड पाया जाता है एक, तो फोल्ड क्या पाया जाता है, रिग पाया जाता है। बिलाई आपकी इंटेस्टाइन में पाई जाती है, और आपकी स्टमक की अगर बात करेंगे, ये भी सरफेस एरिया ही बढ़ाते हैं, तो रिग पाई जाती है, रिग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
ये देख लीजिए एकदम अच्छे से आपको फिगर भी दिखा रहे हैं। ये स्टमक है, स्टमक में इसोफेगस एरिया है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है जो जाके ड्यूडेनम में खुलता है। आगे स्टमक कहाँ पे खुलता है बोल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये स्टमक वाला पार्ट है ये लास्ट में कहाँ जाके खुलता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में ही खुलती है। अब इसमें देख लीजिए ये रिव आपके इसमें पाए जाते हैं, ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ना ये सब, तो इस ईयर पाए जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि आपके स्टमक में कितनी लेयर होती हैं, सिरोसा इनर लेयर होती है, मस्कुलरिस होती है, मसल्स लेयर, सब म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा आउटर लेयर होती है, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑर्गन इन द बॉडी डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूज केमिकल्स नीडेड फॉर डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करने वाले कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो इसमें क्या डिटॉक्स, लीवर ही है। अगर कोई मान लीजिए लेता है एल्कोहल लेता है, एल्कोहल अगर कोई भी पर्सन लेता है या फिर कोई ड्रग्स लेता है तो सबसे पहले लीवर ही जाती है जो डिटॉक्सिफिकेशन करती है। अगर ड्रग्स जितने मात्रा में टोटल लिया जाता है ना, 500 एमजी मान लीजिए पैरासिटामॉल लिए, तो 500 एमजी अगर पूरा शरीर में लगे तो सेल्स को भी नुकसान करेंगी, तो क्या करता है लीवर ना डिटॉक्सिफिकेशन करता है। 500 का लगभग दवा मान लीजिए 40 से 50% 60% ही वर्क करती हैं बॉडी पर, और डिटॉक्सिफिकेशन लीवर कर देता है, फिर यूरिन के रास्ते से बाहर हो जाते हैं, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ब्लड से बाहर निकाल देता है लीवर, फिर यूरिन के माध्यम से किडनी छान के बाहर निकाल देता है यूरिन के माध्यम से, तो इस हिसाब से तभी तो अल्कोहल कितने परसेंटेज होते हैं, लेकिन नशा थोड़ा कम ही करता है, अगर पूरा करे तो फिर आदमी लेटा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे हर अगर मान लीजिए लीवर की हम बात करें ना, तो लीवर का फंक्शन अनेकों फंक्शन है, ये फैट का स्टोर भी करेगा, बाइल को सिक्रेट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोलिसिस ये सब कराता है, यूरिया का सिंथेसिस करता है, फिर उसके बाद इसमें सिंथोस विटामिन के भी सिंथेसिस होती है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है, हिपेरिन का सिक्रेशन होता है, काफ़ी फंक्शन होते हैं यहाँ लीवर के, मैंने किसी वीडियो में कराया भी था अच्छे से। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की कहते नहीं, प्रोटीन की छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड ही होती है, छोटी छोटी अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बना लेते हैं, तो एकदम अमीनो एसिड लगाइए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी, भाई देखिए ये मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है यार, अब आपको नहीं आ रहा है या फिर आप वीडियो नहीं रिवाइज किए हैं, नहीं किए हैं तो करना शुरू कर दीजिए, लेकिन करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो 100% आपको करना ही पड़ेगा। मैंने काफ़ी बार बताया था कि फिर कितना कैलोरीफिक वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब एनर्जी देते हैं बॉडी को, लेकिन मेन सोर्स क्या होता है एनर्जी का, मेन सोर्स जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। वैसे तो प्रोटीन्स और प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, ये सब देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेन होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरी एनर्जी होती है, तो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, एक ग्राम में कितना इसमें एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट में, 9.45 किलो कैलोरी, ये नोट डाउन करके चलिएगा। नेक्स्ट ये देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें ग्लूकागन हार्मोन वर्क करता है, फिर शुगर और स्टार्च, फिर बाद में ग्लूकोज ही बनता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया को तो बोलते हैं, तो आप ग्लाइकोजन ऐसे जान लीजिएगा अच्छे से, ग्लाइकोजेनेसिस किसको कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको कहते हैं, मैंने सब बताया है, तो तीनों आप अच्छे से एकदम रट लीजिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मैं अच्छे से बोल भी दे रहा हूँ। ग्लाइकोजेनेसिस को जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है तो ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में होता है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस से जब नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है। ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज बाई हुइच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है ना ये स्टोर कौन करता है, लीवर करता है। अब लीवर जब स्टोर करेगा तो यहाँ से क्या होती है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा किसमें, ग्लाइकोजन जो होगा वो ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में, उसी को तो कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, GLYCO ग्लाइकोजीएनओ जीनो
LYSIS ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। किसको कहते हैं? जब ये ग्लाइकोजन जो है टूट करके ग्लूकोज में चेंज होगा तो ग्लाइकोजिनोलिसिस कहेंगे। और यहीं पे एक हार्मोन वर्क करता है तब ये क्रिया होती है। उस हार्मोन का नाम है, क्या नाम है? ग्लूकागन, GLUCA ग्लूका GON, ये काफ़ी बार मैंने बताया भी है, तो ग्लूकागन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सलेबरी ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलेबरी ग्लैंड। भाई साहब ये आपको रटा होना चाहिए, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ना, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये सलेबरी ग्लैंड की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पैरोटिड ग्लैंड। तो ये चीज़ हो जाएगा, पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कुछ और चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप वीडियो को फर्स्ट पे तो लाइक किया करिए, लाइक जो स्टूडेंट करेंगे वो समझिए कि अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए और चैनल पे ज़रूर जाएं, एक बार विजिट करें और विजिट करके देखें कि कितना वीडियो, लगभग मैं 1000 वीडियो पूरा अपलोड कर चुका हूँ। और जो भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग हो गया और पैरामेडिकल के और फार्मेसी के तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स करेंगे 2022 में, तो वो मेरे चैनल पर प्रिपरेशन करा रहा हूँ और करा भी चुका हूँ 2 साल। तो पूरी वीडियो, जितनी प्रीवियस ईयर वीडियो को रिवाइज करते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।